दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम है द S-400 ट्रियम, जो कि बनाया है रशिया ने। दोस्तों, इसकी वर्किंग मैं आपको इतनी इजी तरीके से समझाने वाला हूँ कि आप डायरेक्टली समझ जाओगे और सेटिस्फाई हो जाओगे। तो सीधी बात, नो बकवास, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है ये बनाया है अलमाज सेंट्रल डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ रशिया ने, जो कि एक रशियन कंपनी है। इस पूरे सिस्टम में थ्री मेन चीज़ें हैं। इसमें ये है फर्स्ट, जिसको हम रेडार कहते हैं, जो कि एक सर्वलांस रेडार है और इसका नाम है 91N6E। और सेकेंड चीज़ है हमारी ये फायर कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक रेडार भी है, इसलिए इसका नाम 92N6E रखा गया है। ठीक है, ये सिर्फ अब मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्लियरली वीडियो में आगे ही है। और थर्ड चीज़ है हमारा लॉन्चर, जो कि एक आखिरी रोल निभाता है। आखिरी मतलब पूरी तरीके से आखिरी नहीं। अब हम वीडियो के थ्रू समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, आपको ये इससे क्लियरली पता चल जाएगा। अब ये जो आ रहा है, इसको कहते हैं लॉन्चर या फिर बैटरीज। इसमें से हम मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं। ये देखिए, ये अब ऐसे सेटअप हो रहा है, ये जो घूम रहा है इसको रडार कहते हैं। देखिए, ये यहाँ पे अभी लग रहा है, ये सेट हो रहा है। ठीक है, तो अब आएगी पहली चीज़ हमारी, जो कि है रडार। तो ये जो रडार है, जिस रडार का नाम है 91N6E, जो कि लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर तक है। समझ रहे हो आप, 600 किलोमीटर तक। इसके रेडियस के 600 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई भी प्लेन या ब्लास्टिक मिसाइल या कुछ भी आता है तो उस रडार के कैच में आ जाएगा। तो इस रडार बहुत पावरफुल रडार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम अगर डिप्लॉय करेंगे ना इस रेडियस के सेंटर में, तो हम यहाँ पर नज़र रख सकते हैं, चाइना में, पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, यहाँ तक हमारी रेंज जो है वो जा सकती है। अगर हम अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉय करें, मतलब चाइना के बिल्कुल करीब, तो वहाँ से आने वाले जो भी मिसाइल्स होंगे, देख सकते हैं आप इस कॉलम में, हॉस्टल एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ फाइटर, मिसाइल्स, ड्रोन्स, जो भी है, तो वहाँ हम उसको कैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पूरी नज़र हमारी जा सकती है। तो इतनी रेंज है उसकी, 400 किलोमीटर तक, इसलिए उसको S-400 कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो उसकी शुरुआत होती है इस रडार से, 91N6E, जो कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया। जब इसके रेंज में जो जो भी कोई चीज़ आ जाती है, मतलब मिसाइल हो या कोई स्टील्थ फाइटर जेट हो, तो वो जब आती है, तब ये छोटा जो आप मैंने आपको रडार दिखाया था 92N6E, तो ये उसको दे देता है। ये देख लीजिए, इस रडार को, तो ये इसको दे देता है, और ये जो है वो हमारे लॉन्चर को देता है, और मिसाइल लॉन्च होती है। देखिए, अब इस रडार में वो आप जो बॉम्ब है वगैरह, मिसाइल है, वो लोकेट हो गई और मिसाइल फायर हो गई। देखिए, मिसाइल ऑटोमेटिकली उस बैटरीज में से फायर हो गई। ये है पूरा सिस्टम S-400। अब ये जाके उसको वहाँ पे उसके पास जाके ब्लास्ट कर देगा। देखिए, ये लॉन्ग सर्वेलांस रडार, रडार में ये प्लेन आ गया। ये प्लेन होने के बाद कमांड व्हीकल, ये कमांड व्हीकल का मतलब है, कमांड व्हीकल में जो आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ये टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये पता चल जाता है, उनके यूनिट से एंगेजमेंट रडार होता है। इसके बाद में मैंने आपको जो बताया, और ये थर्ड, ये लॉन्च व्हीकल, ये फर्स्ट और सेकेंड और ये थर्ड, ये मेन चीज़ है। तो रडार में आने के बाद ये सिग्नल कमांड व्हीकल को जाता है, कमांड व्हीकल को जाने के बाद ये जाता है एंगेजमेंट रडार के लिए। तो एंगेजमेंट रडार क्या करता है, को मिसाइल को कहाँ जाके ब्लास्ट करना है, ये मिसाइल को गाइड करता है, मिसाइल को बताता है कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। ये लॉन्ग सर्वेलांस रडार ये बस डिटेक्ट करता है, ये एंगेजमेंट रडार रॉकेट को गाइड करता है। तो और लास्ट में लॉन्च व्हीकल मिसाइल को लॉन्च कर देता है। इसलिए मैंने कहा कि ये अंत का जो है वो नहीं पता, असल में मिसाइल असल में उस प्लेन को ख़त्म करती है, मगर ये नींद जो चीन तीन जो मेन जो चीज़ें हैं ये नीचे वही मैंने, ठीक है, जिसमें है रेडार, एंगेजमेंट रेडार, लॉन्च व्हीकल। हालांकि चाइना के पास भी S-400 है, मगर वो S-400 नहीं है, उसकी रेंज बस 300 किलोमीटर तक ही है, क्योंकि जो G7 कंट्रीज़ है, मतलब कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका और इंग्लैंड, इन्होंने 1987 में एक संगठन स्थापित की जिसका नाम था MTCR। तो MTCR का लॉन्ग फॉर्म ये है,
मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, रिजिम माने एक सिस्टम। तो इस संगठन में कुल मिला के टोटली 35 कंट्रीज शामिल है, तो उसमें इंडिया भी है जो अभी ही मतलब 2016 में उसका मेंबर बना है। इसका मेंबर बनने के लिए उन्हीं जो कि संगठन में जितने भी देश है उतनी सब लोगों की सहमति चाहिए होती है, और इसके कुछ मेंबर्स चाइना को अलाउ ही नहीं करते। तो ये MTCR क्यों किया गया? MTCR एक ऐसा संगठन है, मतलब अगर उसके आप मेंबर हो तो आपको 300 से ज़्यादा रेंज की मिसाइलें मिल सकती है, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो आप 300 तक ही आपको मिलेगी। इसलिए चाइना इस संगठन का मेंबर नहीं है, इसलिए उसको 300 किलोमीटर तक की रेंज की ही मिसाइलें दी गई, और इंडिया इसका मेंबर है इसलिए इसको 400 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइलें दी गई थी। तो इसका यूज़ था, इसका हम मेंबर अभी बने हैं, चाइना इसका नहीं, ये बहुत अच्छा एडवांटेज है हमारे लिए। तो ये था वर्किंग S-400 का और कुछ बातें MTCR के लिए।